मैं आपको पूरा दिखाऊंगा किस तरह सर्विस कर रहे हैं ये लोग और कितना कॉस्ट आ रहा है एक पार्ट का, हर एक पार्ट के सामान के साथ मैं आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और देखिए मैं आज कहाँ पे आया हूँ, मैं आया हूँ मारुति के सर्विस सेंटर में। मेरी कार का सर्विस का समय हो गया था, ये ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर चल चुकी थी, तो मुझे लगा कि सर्विस करा देना चाहिए, तो मैंने आज ये सर्विस पे ले लाया है। और इसका कितना कॉस्ट है सर्विस का, क्योंकि ये पेट्रोल प्लस CNG में है, तो सभी लोग बोलते हैं पेट्रोल का सर्विस चार्ज बहुत कम होता है, तो मैं आपको जेन्युइन बताऊंगा कि सर्विस का चार्ज कितना होता है। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा किस तरह सर्विस कर रहे हैं ये लोग और कितना कॉस्ट आ रहा है एक पार्ट का, हर एक पार्ट का सामान के साथ मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा पेट्रोल गाड़ी में सर्विस में इस समय आ रही है, वो भी मारुति की गाड़ी में। तो दोस्तों देखिए, मेरा गाड़ी धुला के एकदम चकाचक रेडी हो गया है सर्विस के लिए। तो अभी जैसे जैसे सर्विस होगा हम आपको दिखाएंगे किस तरह सर्विस होता है, इसका चार्ज कितना है, ठीक है। मैं अभी आया हूँ मारुति के सर्विस सेंटर में। ये देखिए दोस्तों, ये सब सामान इसमें लगने वाला है, जहाँ जहाँ जो सामान लगेगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये लग रहा है एयर फिल्टर, देखिए एयर फिल्टर है ये, तो मेरा पुराना वाला ये देखिए, पुराना वाला एयर फिल्टर था जो कि खराब हो गया है, डस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है। ये देखिए, ये भी लगा रहे हैं वाइपर शैम्पू जो आता है, जो वाइपर क्लीन करने के लिए होता है। देखिए चेक कर रहे हैं वाइपर कैसा पानी दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से व्हील को निकालते हैं, बैलेंसिंग वगैरह होगा चक्के का। इसलिए जो खराब मोबाइल था उसको निकाला जा रहा है, नया मोबाइल डाला जाएगा। ब्लैक कलर जैसा हो गया है, खराब हो गया है। ये क्या है भैया? ये जंग वंग जो लगा है उसको क्लीन करने के लिए। देखिए स्प्रे हो रहा है व्हील पे, जो डस्ट वगैरह है जंग है वो क्लीन हो जाएगा। पूरा ना क्या ऑयल फिल्टर, देखिए ऑयल फिल्टर डाला जा रहा है इसमें। देखिए अभी डाल रहे हैं ये लोग कूलेंट। जब भी दोस्तों आप लोग सर्विस कराइएगा कूलेंट जरूर डालिएगा इसमें, कुछ लोग पैसे बचाने के लिए नहीं डालते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। फिर मोबाइल चेंज करने से काम नहीं चलता है, गाड़ी की लंबी लाइफ चाहिए तो कूलेंट जरूरी है कि नहीं भैया? अब ये देखिए हमारे इंजीनियर साहब, क्या नाम है ना भैया आपका? राम सेवक कुमार। ये देखिए राम सेवक कुमार जी, और आप? मुलायम यादव। मुलायम यादव जी हैं। प्रेम से ये लोग सर्विस कर रहे हैं, देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हर एक चीज़ बता भी रहे हैं, क्या लग रहा है नहीं लग रहा है। ये देखिए एसी फिल्टर चेंज हो रहा है, ये लगेगा आगे, आगे लगता है यहाँ पे। निकले देखिए यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल इसको किया जाता है। ये देखिए पूरा एकदम खराब हो चुका है, देखिए ना डस्ट हो गया, ये बहुत ही हल्का चीज होता है, खत्म इसका काम। देखिए अभी डाला जा रहा है मोबिल, कितना पड़ता है इसमें मोबिल? 3 लीटर 200, मतलब 3.25 लीटर के आसपास इसमें मोबिल डाला जाता है। तो दोस्तों मेरा सर्विस कंप्लीट हो गया है, और आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में बैठा हूं, और अभी मैं यहां से जा रहा हूं घर। एस्टीमेट टोटल मेरा 8,000 रुपया के आसपास बना है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
ठीक है, तो फिर यहाँ से हम जाएंगे मंदिर और मंदिर जाके फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा मेरा गाड़ी तो सर्विसिंग हो गया, मैं आपको दिखाया था गाड़ी का लुक, देखिए एकदम नए जैसा चमक रहा है गाड़ी हम लोगों का। और आज अष्टमी का दिन भी था, मैंने जैसे आपको बताया था, तो हम लोग सोचे थोड़ा मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। तो हमारे घर के पास में एक दुर्गा जी का मंदिर है, तो वहाँ पर हम लोग अभी आए हैं दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। ले लो प्रसाद, देखिए प्रसाद हम लोग ले लिया जाए। इसको भी धुलाइए, बच्चे को भी धुल लो आप। तो यहाँ से प्रसाद लेके फिर चलते हैं अंदर दर्शन करने। तो दोस्तों देखिए, हम लोग मंदिर में आ गए हैं और आज कितना शुभ दिन है, बताइए। अष्टमी का दिन है, 8 बज गए हैं, थोड़ा सा खाली है अभी, नहीं तो बहुत भीड़ हो गए होते। ये देखिए यहाँ पे हवन चल रहा है। ये देखिए दुर्गा जी हमारे यहाँ के हैं, बहुत ही फेमस हैं यहाँ के चंडेश्वर के। तो यहाँ हम लोग पूजा पाठ कर लिया जाए फिर चलते हैं। प्रसाद ले लो, नहीं 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 आवा तो आवा आवा इधर खात खात आवत टिको लगा लो पहले ऐला और खाओ पकड़ा बढ़िया से। तो बस तो देखिए जा रहा हूँ नारियल फोड़ने। जय माता दी। पनिया दीदी। तो दोस्तों फाइनली मेरी कार का सर्विस हो गया है और हम लोग मंदिर में भी गए थे, पूजा भी करके आ गए क्योंकि अष्टमी का दिन था आज। तो जैसे कि मैंने आपको हर एक पार्ट्स का चार्ज तो बताया ही था वीडियो में, और वो भी जो भी चार्ज मैंने बताया आपको वो सब GST इंक्लूडेड था उसमें, ठीक है। और एक चार्ज इसमें मिसिंग हो गया था, वो है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट लगा 1600 रुपीज़, क्योंकि ये पेड सर्विस था मेरा, 20,000 किलोमीटर पे हो रहा था, तो 1600 रुपये का लेबर चार्ज लगा है। और टोटल बिल मेरा बना था 8,400 रुपये के आसपास बिल बना था, उसमें उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी किया था। उसके बाद डिस्काउंट करने के बाद बचा था 8,100 रुपये, और फिर मैंने 600 रुपये मेरा रिवॉर्ड पॉइंट उसमें था तो वो भी मैंने रिडीम करा दिया, तो मेरा पेड हुआ मेरा 7500 रुपीज़, 7,500 मैंने पे किया उनको। तो दोस्तों जो लोग अफवाह उड़ाते हैं कि पेट्रोल गाड़ी में सर्विसिंग का कॉस्ट 3,000, 4,000, 2,000 रुपये होता है, ये सब झूठ है। मैंने पूरा टोटल आपको दिखाया कैसे सर्विस हो रहा है, हर एक पार्ट्स का चार्ज भी बताया। तो अगर आपके पास अर्टिगा VXI CNG पेट्रोल वेरियंट में है तो समझ जाइए 8,000 से 8,500 रुपये के आसपास इसका सर्विस चार्ज बैठता है। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिसने भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आगे भी आपको नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। और चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।